नाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। जो तारा है वही काली है और वही नील तारा है, ये बात मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। इसको बताने के पीछे मेरा उद्देश्य ये रहता है कि आप इस बात को समझो कि जो तीन मूल बीज थे उसमें एक कृमि था। आद्या शक्ति जो पहली शक्ति थी वो काली के स्वरूप में थी और वही आद्या तारा माँ तारा के रूप में आई। माँ तारा को तांत्रिकों और अघोरियों के मूलतः नाथपंथी अघोरियों की मूल देवी माना जाता है। इनकी साधना हम इसलिए करते हैं क्योंकि माँ भगवती देवी तारा बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और दर्शन देती हैं, इच्छित फल जो होता है आपके मन में उसको वो पूर्ण करती हैं। आज मैं आप लोगों को देवी तारा की एक साधना, एक मंत्र बताऊंगा। ये तीन दिन आपको ये साधना करनी है और तीन दिन में आपको एक अंतर दिखेगा। ये मैं आपको साधना इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको एक शक्ति का अनुभूति हो, आपको पता चले कि शक्ति का अगर ढंग से पूजा किया जाए तो किस तरह से फल प्राप्ति होती है। तो माँ तारा की साधना ऐसे तो बहुत तरीके के चमत्कारी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा एक उच्च कोटि की साधना जिसको अगर आप साधते हैं तो आपको अकस्मात धन प्राप्ति होगी। जैसे बहुत मुश्किल में आप हैं, आपको धन प्राप्ति नहीं हो रही है तो आपको धन प्राप्ति होगी। देखिए, इस साधना के लिए आपको बहुत सामग्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मूलभूत सामग्री जो आपको चाहिए वो जो पूजा में जो पांच चीज़ें लगती हैं, नवेद, पुष्प, धूप, गंध और दीपक, ये पांच चीज़ तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है किसी भी साधना का। इस साधना के लिए दो चार चीज़ें और चाहिए होती है। माँ भगवती देवी तारा की साधना जो है वो पारद की मूर्ति में होती है। अगर आपने घर पर या कहीं साधना के दृष्टिकोण से माँ तारा की मूर्ति रखी है तो वो पारद की मूर्ति होती है, क्योंकि ये बड़े उच्च कोटि की साधना है और धन प्राप्ति में इसका प्रयोग होता है। ये प्रयोग शायद आपको कहीं मिले भी ना। तो आपको करना क्या है कि माँ तारा का एक पारद का मूर्ति रखना है। और अभी जैसे कि दीपावली आ रही है तो दीपावली के दिन से इस साधना को आप शुरू करेंगे। इसको रात में 10:30 के बाद आपको करना है। स्नान कर लीजिएगा, लाल रंग के कपड़े को पहन लीजिएगा, आसन भी आपका लाल होगा, उत्तर दिशा की तरफ आप देखिएगा। सबसे पहले गुरु का ध्यान कीजिएगा, गुरु मंत्र पढ़िएगा, उससे आपका बंधन हो जाएगा। गणपति जी का मंत्र पढ़िएगा, ओम वक्रतुंडाय हुम फट, अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है। भैरव जी का मंत्र पढ़िएगा, ओम काल भैरवाय नमः, अगर कुछ नहीं आता है तो। और इन दोनों देवताओं का गंध, पुष्प, धूप, दीप और नवेद से पूजा कर लेंगे। इसको करने के बाद, मतलब मानसिक पूजा भी होती है जैसे मानस पूजा कहते हैं, तो वो कर लेंगे। उसके बाद जो पारद तारा का विग्रह है उसके सामने हम पूजा शुरू करेंगे। देखो, पारद तारा का जो मूर्ति होगा, जो विग्रह होगा, उसको किसी से प्राण प्रतिष्ठित करवा लेना इस पूजा से पहले, चाहे वो पंडित हो या अघोरी हो, उसका उसकी प्राण प्रतिष्ठा जरूरी है। एक बार जब पारद गायत्री का प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है तो उनका नाम धनवर्षिणी, स्वर्णवर्षिणी नामों से भी भगवती को जाना जाता है। तो शुरू करेंगे पूजा, सबसे पहले गंध देंगे तो ओम श्रीम स्त्रीम गंधम समर्पयामी, फिर ओम श्रीम स्त्रीम पुष्पम समर्पयामी, ओम श्रीम स्त्रीम धूपम आद्यापयामी, ओम श्रीम स्त्रीम दीपम दर्शयामी, ओम श्रीम स्त्रीम नैवेद्यम निवेद्यामी, इतना करके भगवती का पूजा शुरू करेंगे। उसके बाद करन्यास करेंगे। मंत्र लगभग सब में यही रहेगा, ओम श्रीम स्त्रीम अंगुष्ठाभ्याम नमः। करन्यास का विधान मैंने आपको बताया है कि उंगली के नीचे से लेकर के ऊपर तक छुआ जाता है, ठीक है। ओम महापद्मे तर्जनीभ्याम नमः, ओम पद्मवासिनी मध्यभ्याम नमः,
ओम द्रव्य सिद्धिम अनामिकाभ्याम नमः, ओम स्त्रिम श्रीम कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ओम हुम फट करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। ये कर्णयास हो जाएगा, हृदयनास इसी तरीके से होगा, ओम श्रीम स्त्रिम हृदयाय नमः, ओम महापद्मने सिरसे स्वाहा, ओम पद्मवासिनी सिखाया वसट, ओम द्रव्य सिद्धिम कवचाय हूँ, ओम स्त्रिम श्रीम नेत्राय वसट। मैंने ये सारे विधान आपको बताया है कि कैसे कैसे करने हैं अपने पुराने वीडियो में, और अंत में ओम हुम फट अस्त्राय फट। ठीक है, ये दुर्गा सप्तशती का जब मैंने आप लोगों को विधान बताया था कि नवारण मंत्र कैसे करते हैं, तो इन सब मंत्र का नवारण मंत्र के हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया था, उसी तरीके से इन सब मंत्र को करके आप जो है कर्णयास और हृदयनयास कीजिएगा। इसके बाद आपको जो मंत्र करना है उसको सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, तीन बार बताऊंगा मैं। ओम श्रीम स्त्रिम महापद्मे पद्मवासिनी द्रव्य सिद्धिम स्त्रिम श्रीम हुम फट। फिर से सुनिए, ओम श्रीम स्त्रिम महापद्मे पद्मवासिनी द्रव्य सिद्धिम स्त्रिम श्रीम हुम फट। ओम श्रीम स्त्रिम महापद्मे पद्मवासिनी द्रव्य सिद्धिम स्त्रिम श्रीम हुम फट। इतना करने के बाद ऐसे तो इसका जाप आप करमाला पे कीजिएगा, और फिर योनि मुद्रा बना करके भगवती के सामने इस जाप को रखिएगा। मंत्र वही रहेगा, ओम गुह्या गुह्या गोप्रीतम गृहणम स्वम कृतम जपम सिद्धिर भवतु मे देवी तत्प्रसादे महेश्वरी तत्प्रसादानाम महेश्वरी तत्प्रसादानाम महेश्वरी। ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है, मैंने आपको बताया था जो भी कील मंत्र रहता है उसका कील खत्म हो जाता है। आपने भगवती को मंत्र जाप करके दे दिया, उसके बाद भगवती से उस मंत्र को वापस ले लिया तो उसका फल मिलेगा। इस पूरी साधना को आपको 3 दिन करना है, 3 दिन तक इस तरह से पूजा करके आप जो है जाप करेंगे। 21 माला का रोज आपको जाप करना है 3 दिनों तक। इसको करने के बाद देखो, इसको अगर आप करमाला पे करते हो तो भी ठीक है, लेकिन मूंगा माला या तारा माला एक होता है उससे अगर करिएगा तो आपको ज़्यादा लाभ होगा इसका। ठीक है, अगर कोई माला नहीं मिले तो स्फटिक की माला सब साधकों के पास रहती है, और अंत में रुद्राक्ष माला, जब कुछ नहीं है तो फिर करमाला। इतना करने के बाद जब आपने देवी को समर्पित कर दिया अपना जाप, तो तीसरे दिन 108 आहुति आप देंगे शहद की इस मंत्र को पढ़ के। ठीक है, तो क्रमबद्ध तरीके से फिर बता दे रहा हूँ, पहले गणपति की आपको पूजा करनी है, फिर भैरव की, उसके बाद माँ का पारद मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित, उसको गंध पुष्प धूप नवेद दीप से आपको पूजा करना है, कर्णयास करना है, हृदयनयास करना है, उसके बाद 21 माला जो मैंने मंत्र दिया है उसका जाप करना है, उसके बाद भगवती को देके वो मंत्र ले लेना है। तीसरे दिन की पूजा समाप्ति के बाद आप फिर से 108 बार आहुति देंगे मधु से, हवन करेंगे, और उसके बाद आपको धन की कमी नहीं होगी, धन आपके जीवन में आता रहेगा। जब भी धन का स्रोत आपको लगे कि आपके जीवन में रुक रहा है, एक बार फिर से इस पूरे प्रकरण को आप फिर से चला लीजिएगा। मंत्र देखो, ऐसे तो जब आप साधना नहीं कर रहे हैं तब भी इसको जपते रहना चाहिए। हाँ, एक विषय था जो मैं बीच में आपको हल्के में बताया, लेकिन फिर से सुन लो, मूंगा माला देवी तारा को प्रिय है तो उससे आपको इनकी साधना करनी चाहिए। जो एकदम सदैव साधक है वो महाशंख माला से इस पूरे विधान को कर सकते हैं, लेकिन बहुत सदैव साधक होने चाहिए। उसके बाद तारा माला आता है, कुछ नहीं है तो स्पेटिक है, रुद्राक्ष है, नहीं तो करमाला जिंदाबाद। ठीक है, तो ये साधना आप इस लक्ष्मी पूजा से 3 दिन तक करिए, आपके जीवन में बहुत सारा जो बहुत ज़्यादा अभी धन को लेके परेशान है, और जो लोग ऐसे हैं जिनको कि कर्ज में डूबे हो, इस साधना को करें। आज के लिए इतना ही, जिनको बेसिक साधना के बारे में सीखना है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188585। जिनको मुझसे डायरेक्ट बात करना है वो कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें रुद्रनाथ @cm4
सर्च कीजिएगा तो मेरा प्रोफाइल आएगा, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इंडिया, कनाडा और यूएस में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। जिनको मुझसे अपॉइंटमेंट लेनी है, मेरा वेबसाइट है www.aghortantras.xyz, उसमें आप जा करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप सभी की सारी मनोकामनाएं माँ तारा पूर्ण करे, आपको काफ़ी धनाट करे, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।